मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जिवें कि तुसी जानते हो असी पाठिक भाषा या बोली पढ़ रहे हाँ। आज असी पेज नंबर 8 ते भाषा दे रूप बारे पढ़ांगे। भाषा दे रूप पढ़न तो पहले आओ मैं तुहानू भाषा दे रूपां बारे कुछ जानकारी दवां। बच्चों, भाषा दे 3 रूप हन, मां बोली, राष्ट्रीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा। मां बोली मतलब मदर टंग, राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज। मां बोली जड़ा कि बच्चा अपने परिवार बच्चों ही सीखता है। मां बोली असी अपने परिवार विच रह के सीखते हाँ, जिवें कि असी पंजाब के रहने वाले हाँ, पंजाब के निवासी हाँ, तो असी साड़ी पंजाब दी मां बोली पंजाबी है, असी सारे पंजाबी बोलते हाँ। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा दो प्रांतों के लोगों के विचार सांझे करने लई वरती जाती है। जड़ी भाषा दो प्रांतों के लोग अपने विचार सांझे करने लई वरतदे हन उसनू राष्ट्रीय भाषा कहिंदे हन। ते साडे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अंतरराष्ट्रीय भाषा वक्रे वक्रे देशों के लोग विचार सांझे करने लई अंतरराष्ट्रीय भाषा की वरतों करते हैं। साडे संसार की अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। बच्चों आओ हुण पेज नंबर 8 नूं पढ़ के होर जानकारी लईए। भाषा दे रूप, मां बोली, जड़ी बोली बच्चा अपनी मां की गोद विच बह के सीखता है उसनू मां बोली कहिंदे हन। साडी मां जड़ी बोली सानू बचपन विच सिखांदी है, जिस बोली राही सानू लोरियां सुना सुना के वड्डा करदी है उसनू मां बोली कहा जांदा है। हर मां अपने बाल नू लोरी दे रूप विच पहला भाषा ज्ञान देंदी है। साडा पहला भाषा ज्ञान सानू साडी मां ही देंदी है, इसलिए मां नू मनुख दा पहला अध्यापक भी मनिया जांदा है। जिस तरह कि साडा पहला भाषा ज्ञान सानू साडी मां देंदी है, इसलिए उसनू साडा पहला गुरु भी कहा गया है। आओ इस लोरी नू पढ़िए। लल्ला लल्ला लोरी, दुध दी कटोरी, दुध च पताशा, मुन्नी करे तमाशा। बच्चों, ए लोरी तुसी अपने बचपन विच अपनी मम्मी जी कोलों सुनी होएगी। इहो भाषा बच्चियां विच पहला तोतला बोलन दा ते फिर बोली विच स्पष्ट बोलन दा मुढ़ बनती है। एहो भाषा साडी मां बोली ही सानू पहले तोतला बोलना बोलना सिखांदी है, ते फिर हौली हौली असी इस भाषा नू क्लियर बोलना सीख जांदे हां। जिवें कि तुसी अपने किसी छोटे भैन भरा नू देखिया होवेगा कि वह घर विच रह के मां बोली नू पहले तोड़ तोड़ के बोलना सीखता है, ते फिर उस बोली नू बड़े क्लीयर स्पष्ट रूप विच बोलना सीख जांदा है। राष्ट्रीय भाषा, नैशनल लैंग्वेज, किसी राष्ट्र के सरकारी कार्यों नू पूरा करने लई जिस भाषा का प्रयोग किया जाए उसनू राष्ट्रीय भाषा आखते हैं। जदों राष्ट्र विच रह के सरकारी कामां नू पूरा करने लई जड़ी भाषा का प्रयोग मतलब यूज़ किया जाता है उस भाषा नू राष्ट्रीय भाषा आखते हैं। राष्ट्र मतलब नेशन। मित्र, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जिवें देखो दो प्रांतां दे लोग आपस विच गलबात कर रहे हैं, वो केड़ी भाषा विच गल कर रहे हैं? हिंदी विच। ते भारत दी राष्ट्रीय भाषा केड़ी है? भारत दी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अंतरराष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, परस्पर दूजे देशां नाल संबंध बनाउण लई वरती जाण वाली भाषा नू अंतरराष्ट्रीय भाषा आखदे हन। इह सारे विश्व नू एक दूजे नाल जोड़दी है। जड़ी भाषा दे नाल सारे संसार दे लोग अपने विचार सांझे करदे हन उस भाषा नू अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा जांदा है। साडी अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। सारे संसार दी अंतरराष्ट्रीय भाषा केड़ी है? अंग्रेजी। विश्व दे लोग आपस विच
ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਹੁਣ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 9 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਸ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਾਠੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੜੀਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ। ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਰੈਕਟ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।